और अच्छो लगे तो ताली बजाइयो, अच्छो ना लगे तो ना बजाइयो। कि जिस समय मेरे भगवान प्रभु श्री राम ने और सागर की पार पे यज्ञ करना चाहा, यज्ञ करना चाहा, तो उस यज्ञ में आज विचार किया था यज्ञाचार कौन बनेगा, यज्ञाचार। तो जामवंत ने कह दिया था कि प्रभु इस समय दुनिया में रावण से ज्यादा विद्वान कोई ब्राह्मण नहीं, कोई नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि रावण तो हमारी दुश्मनी चल रही है, तो क्या वो आ जाएंगे? तो महाराज कैवे में बुराई का है। तो जिस समय जामवंत जी गए थे रावण को बुलाने लंका में, ध्यान रखना, तो रावण के बाबा के मित्र थे वो जामवंत। तो रावण ने घमंड में पहले तो झिकाई कि रामादल ते आए हो, कि हाँ आए तो रामादल ते ही है। तो तुम्हें जेव मालूम है कि राम की मेरी दुश्मनी चल रही है, कि हाँ मालूम है। तो फिर तुम्हें जा बात को डर नहीं लगो कि जा रामादल के बीच में तो तुम आए हो और मेरे रावण के जितने लंका के निशाचर है तुम्हें बांध लिया मार दे। तो जामवंत ने की सुन जाए तो मैं समझ के आऊं, पहली तैयारी कितनी है मेरे प्रभु की। क्या लक्ष्मण जी जो शेष अवतार हैं वो सागर की पार पे और अग्नि बाण तरकस में से निकाल के डोरी पर तान दिया लंका को। और सुन चार घड़ी के बीच में और लंकेश में लौट के रामा दल में नहीं पहुंचा तो वो अग्नि बाण लक्ष्मण का चल जाएगा, लंका समुद्र में ढह के खत्म हो जाएगा। तो क्या कितना कमजोर समझ रहा है? अब बताओ कैसे आए हो? क्या प्रभु मेरे राम एक यज्ञ करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं, तो तुम्हें यज्ञाचार बनाया है, स्वीकार है? देखिए कैसा दुश्मन था, दुश्मन भी होगा तो खानदानी। तो रावण ने कही कि जामवंत तुम्हारे राम जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ का नाम क्या है? क्या महाराज उस यज्ञ का नाम है विजय यज्ञ? तो कहीं वो विजय लंका पर तो नहीं है? रावण ने कहा कि जो विजय करना चाहते हैं राम, क्या वो लंका विजय तो नहीं है? जामवंत ने कहा बिल्कुल लंका विजय है, लंका विजय का यज्ञ करना चाहते हैं, पर तुम्हें यज्ञाचार बनाया है। रावण की बिल्कुल आ रहा, तुम चला मैं आ रहा हूं। पर विचार किया रावण ने कि वन में अगर कोई तपेश्वरी कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ की सामग्री उसके पास नहीं होती, तो जो यज्ञ करने आता है यज्ञाचार उसकी जिम्मेदारी होती है। क्या वो यज्ञ का सामान लेकर क्या है? रावण ने विचार किया कि मेघनाथ राम यज्ञ कर रहे हैं और जब तक जोड़ा सहित सीता के हाथ से आहुति नहीं लगेगी तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। यज्ञ पूरा नहीं होगा तो सीता को रथ में बैठाई। जब सीता को रथ में बैठा करके रावण लाया, भगवान राम ने यज्ञ किया, आहुति लगी। यज्ञ जब राम का पूरा हो गया था, जो रामेश्वरम नाम से यज्ञ मंदिर बना हुआ है, तब कही थी भगवान राम ने कि आप इस समय मेरे यज्ञाचार हैं, आप इस समय मेरे दुश्मन नहीं है, इस समय मेरे यज्ञाचार हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्या तुम दक्षिणा मांग लो, दक्षिणा नहीं दी जाएगी तो मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। राम तुम वनवासी हो, तुम्हारे पास यज्ञ में दक्षिणा देने का कोई साधन नहीं है, तब मैंने तुम्हारा यज्ञ पूरा कर दिया है। नहीं महाराज, इतनी क्षमा चाहता हूं, कम कितना भी कमजोर हूं लेकिन कुछ तो मांग लीजिए ताकि मेरा यज्ञ सफल है जावे। विचार करना रावण ने दक्षिणा में मांगा क्या था। अब है बात अच्छी लगने की, हे राम मैंने तुम्हारा यज्ञ कर दिया है तो दक्षिणा में यह मांग रहा हूं कि जिस समय यह यज्ञ करने वाला यज्ञाचार इस धरती को छोड़ के अपने धाम को जाएगा उस समय यज्ञ कराने वाला मेरे सामने हो, यह मेरे सामने खड़ा हो, बस इतना मांग रहा हूं। कितना बढ़िया मांगा, क्या यज्ञ कराने वाला जो राम है और जिस समय इस धाम को छोड़ के मैं दुनिया को छोड़ के जाऊं उस समय राम मेरे सामने खड़े हो, बस ये मांगना चाहता, ये मांगा था दक्षिणा में। तो दक्षिणा मांगने के लिए तो अकल चाहिए,
रावण अगर उस समय मांग लेता कि तुम श्रृंगार को छोड़ के चले जाओ अपने घर और सीता को यहीं छोड़ जाओ, क्यों नहीं मांगा? केवल यह मांगा कि मैं राम को अपने सामने चाहता हूं जिस समय मैं दुनिया को छोड़ के जाऊं। यह है दक्षिणा मांगना। श्रोता बंधु, उस समय भगवान राम दक्षिणा में वही देते हैं, लेकिन एक बात और सुनी होगी आपने कि जिस समय रावण मारा गया था, जिस समय रावण मारा गया था तो धरती पर पड़े हुए थे, तो लक्ष्मण जी को भेजा तो लक्ष्मण जी घमंड में गए, तो लक्ष्मण जी सिर के पास खड़े हुए, रावण ने आवाज नहीं दी, आवाज नहीं दी, तो लौट के आए लक्ष्मण ने कि प्रभु तुम तो कह रहे बाप कुछ मांग लाओ, वो तो घमंड कमा आवाज ही ना दे। तो उन्हें कि तुम खड़े कहां थे? कि महाराज मैं सिर के पास खड़ा था। अरे लक्ष्मण, विद्वान से अगर कुछ सीखना चाहते हो तो पैरों के पास खड़ा होना होगा, पैरों के सामने खड़ा होना होगा। तो लक्ष्मण जी जब पैरों के पास खड़े हुए तब कही मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, आप बहुत बड़े विद्वान भी हैं और बहुत बड़े छत्री भी हैं। तब कही लक्ष्मण अब इतनी सामर्थ्य नहीं रही शरीर में, क्या मैं तुम्हें राजनीति सिखा देता, पर बेटा सीखने आयो तो सबसे पहले मैं तुम्हारे हथियार मांग रहा हूं, यह धनुष मुझे दे दो। लक्ष्मण ने धनुष दे दिया। जैसे ही लक्ष्मण ने धनुष दिया और रावण ने तीर को उठा करके डोरी पर लक्ष्मण के सीना पर तान दिया धरती पर पड़े से, तब कही लक्ष्मण ये पहली नीत बता रहा हूं कि कभी दुश्मन के हाथ में अपना हथियार मत देना, इस समय मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं। दूसरी बात, बुरे कर्म को जितना टाल सको उतने टालते रहना और अच्छा कर्म जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर देना। मैं तीन कर्म चाहता था, क्या सोने में सुगंध कर दूंगा, अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा और स्वर्ग के लिए रास्ता बना दूंगा, पर तीनों काम की एक ही बात सोचता रहा कि जब मनो आवे तब कर दूंगा, जब चाहूंगा तब कर दूंगा। अच्छे कामों को टालता रहा और एक नारी की चोरी का कर्म मैंने पहले कर दिया, उसका परिणाम ये मेरे सामने। तो अच्छे काम को टालना मत। जैसे ही लक्ष्मण जी हटे, देखिए अब बहुत सुंदर बात आ रही है, राम आए सामने, तो राम ने प्रणाम किया, लंकेश मैं तुमसे प्रणाम करता हूं, अब तुम्हारा अंतिम समय है। तो राम तुम्हें यह मन समझ लेना कि जा रणभूमि में जीत मेरी हुई है। क्यों जीत हुई है मेरी? मैंने यह प्रतिज्ञा की थी क्या मैं अपने जीते जी राम को लंका में पैर नहीं रखने दूंगा, यह मेरा प्रण था। तो मैंने अपने जीवन तुम्हें लंका में पांव धरन ना दो कैसे, और सुनो मैं तुम्हारे ही सामने और तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, राम तुम रोक नहीं सकते, तुम नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारे ही सामने जा रहा हूं। अब इतने पे भी प्रभु लड़ाई में मेरी हार हुई और तुम्हारी जीत हुई है। देखिए सभी समाज के लिए बहुत अच्छा शब्द बता रहा हूं और आज उस शब्द की विशेष आवश्यकता है। क्यों? क्या समाज में इस चीज की बहुत कमी चल रही है। वह रावण ने कहा कि प्रभु सुनो राम, हथियार तुमसे मेरे पास ज्यादा है, तुमने केवल एक जनकपुर में धनुष उठाया था और मैंने कैलाश पहाड़ उठाया था, तुम्हारे अयोध्या में केवल एक भवन सोने का है राजभवन और मेरी पूरी लंका सोने की है, राजफल क्षेत्रफल तुमसे ज्यादा है, तुमसे ज्यादा मेरा राज बड़ा है, परिवार में तुम गिने चुने लोग हो और मेरे यहां 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, इतना बड़ा परिवार था। और प्रभु राम इतने पे भी और मैं हार गया तुम जीत गए, उसका एक ही कारण है कि तुम्हारा भैया तुम्हारे संग है और मेरा भैया मुझसे अलग है, इसलिए हारा हूं मैं। तो जीवन में कभी वो दूरी पैदा मत करना कि भाई भाई के बीच में तेरी दूरी पैदा हो जाए, क्या रावण जैसा और दुर्योधन जैसा आज नीचता का दरबार देखने को मिल जाए, कभी भाई से इतनी दूरी मत पैदा करना। श्रोता बंधु ध्यान से सुने।